नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने चला है मास्टर स्ट्रोक। देश की पहली महिला आईपीएस और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी आज बीजेपी में शामिल हो गई। फिलहाल बीजेपी ने यह तो तय नहीं किया है कि किरण बेदी दिल्ली में सीएम पद का चेहरा होंगी, लेकिन यह तय हो गया है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली के दंगल में बीजेपी को जिस बड़े अनुभवी और भरोसेमंद चेहरे की तलाश थी, लगता है वो पूरी हो गई। दिल्ली में खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में अन्ना आंदोलन का चेहरा रही देश की पहली आईपीएस अधिकारी किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो गई। वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कहां से ये तय नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पीएम से मिलने के बाद खुद किरण बेदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। टोल फ्री नंबर पर एसएमएस करके किरण बेदी ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसी के साथ लंबे अरसे से चल रही अटकलों का दौर खत्म हो गया। पार्टी में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। अन्ना आंदोलन के दिनों में किरण बेदी केजरीवाल के साथ थी, लेकिन केजरीवाल के राजनीति में आने के बाद उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को छोड़ दिया। किरण बेदी का कहना था कि वो पीएम मोदी की वजह से यहाँ आई है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई स्टार चेहरा नहीं था। किरण बेदी को सियासत में उतार कर बीजेपी ने वो कसर भी पूरी कर ली। अब किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली में मुकाबला केजरीवाल बनाम किरण बेदी भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में किरण बेदी के जरिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। पूरी संभावना है कि वो बीजेपी के सीएम पद की दावेदार हो, यानी अब दिल्ली की लड़ाई किरण बनाम केजरीवाल में तब्दील होती नजर आ रही है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।